एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े हैं मनोज राठी का खेल दिखाने के लिए। तो आप सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मिनी सेक्रेटरिएट के बिल्कुल सामने भैंस खड़ी है। हालांकि भैंस को अभी अभी खोला गया है, लेकिन खोलते ही फिर दोबारा से वो टक्कर मारने लगी है। और ये देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को बार बार रोका जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मनोज राठी का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिसकी वजह से हिसार का पूरा ट्रैफिक रुकवा दिया गया है। और अब जो है भैंस वहां से आ रही है और अभी अभी जो है ट्रैफिक को थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से भेजा जा रहा है ताकि जाम जो है ज्यादा ना लग जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मनोज राठी इस भैंस को लेकर के मिनी सेक्रेटरिएट तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक बार लाइव एक बार तस्वीरें वहां की भी दिखा दीजिए कि आप देखने वाली बात यह कि क्या मनोज राठी इस भैंस को लेकर के मिनी सेक्रेटरिएट तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहां पर मौजूद है। और ये देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आपको, ये देखिए भैंस को सीधा लाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरों के अंदर बता रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं जो है भैंस भी डरी हुई है। और ये देखिए भैंस जो है लेकर के आई गई है और ये सीधा लाई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए भैंस जो है आराम आराम से लाई जा रही है। और अगर इस भैंस ने किसी को भी टक्कर मार दी तो आप लोग सोच लीजिए। और ये देखिए महिलाएं जो है खड़ी हो गई है यहाँ से, महिलाएं जो है कहीं ना कहीं डर गई कि अगर इस भैंस ने टक्कर मार दी तो आखिरकार होगा तो होगा क्या। और ये देखिए किसान जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि भैंस को काबू किया जा सके। और इतनी ज्यादा संख्या के अंदर लोग भैंस को काबू करने के अंदर जुटे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो यहाँ पर हो रहा है उसको लेकर के ये अनूठा प्रदर्शन हिसार के अंदर पहली बार देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो है भैंस की कवरेज करने के लिए इतने सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ YouTube चैनल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि जो न्यूज़पेपर से है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के मिनी सेक्रेटरिएट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भैंस जो है अभी अभी दोबारा से टक्कर मारने के लिए यहाँ पर पहुंची। तो ये देखिए गेट जो है बंद कर दिया गया है ताकि भैंस जो है उपायुक्त DC प्रियंका सोनी को टक्कर ना मार दे। और उसको लेकर के यहाँ पर भैंस जो है सीधा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये देखिए भैंस को जो है बीच के अंदर रोक दिया गया है, क्योंकि भैंस दोबारा से अस्त व्यस्त हो गई है, भैंस को नहीं समझ आ रहा। और ये देखिए सीधा फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरिएट के सामने से। और जो जान माल की हानि हो सकती है इस भैंस से, फिर भी इस भैंस को जो है मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर लाया गया है। हालांकि बहुत बार देखा जाता है कि प्रदर्शन किए जाते हैं, कभी बैलगाड़ी लेकर के आई जाती है तो कभी जो है गैस सिलेंडर से लेकर के आए जाते हैं, लेकिन भैंस और वो भी जिस ब्रीड की ये भैंस है। हालांकि जब कुछ लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि ये भैंस जो है गांव से लाई गई है, जिसकी वजह से इसका आना जाना ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता और इसीलिए ये ज्यादा लोगों को देख करके विचलित हो रही है। और ये देखिए अभी जो है भैंस ये देखिए किस तरीके से कर रही है। और ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, भैंस जो है किसी को भी टक्कर मार सकती है। और इसीलिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया जा रहा है क्या वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि इस तरीके से भैंस को इतने सारे लोगों के बीच के अंदर लेकर के आना, क्योंकि जब कुछ लोगों से बात की गई तो उन लोगों का कहना था कि अगर ये शहरी भैंस होती तो इतना ज्यादा विचलित नहीं होती, और अगर कोई बुजुर्ग भैंस होती तो शायद वो धीरे धीरे आती, लेकिन जो ये भैंस है ये हर 2 मिनट के अंदर किसी न किसी को मारने के लिए भाग रही है। और ये देखिए इस भैंस को रास नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फोटो इसके ऊपर कैसे लगा दी गई है। और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के मिनी सेक्रेटरिएट के सामने। सर ये देखिए मिनी सेक्रेटरिएट के सामने जो है सारा का सारा गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि हमेशा लोगों के लिए गेट बंद किया जाता था, लेकिन पहली बार भैंस के लिए गेट बंद कर दिया गया। और ये देखिए पुलिस वाले जो है यहाँ पर खड़े होकर के खुद हंस रहे हैं, क्योंकि इनको भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हर बार जो है लोग खुद आते हैं, लेकिन इस बार भैंस को लेकर के आया गया। हालांकि ये हाई वोल्टेज ड्रामा, ये देखिए जैसे ही भैंस जो है आगे आने लगे, और ये देखिए
और ये देखिए, और ये देखिए, भैंस को जो है टक्कर मारने के ऊपर उतारू हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी भी आगे से हट गए थे और ज्यादा ही उतावली हो रही थी भैंस, जिसकी वजह से अब जो है इसको साइड में ला करके बांधने की कोशिशें की जा रही है। और ये देखिए, सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, भैंस जो है लगातार टक्कर मारने के लिए उतारू हो रही है और अभी अभी जो है बाल बाल बच गए लोग, क्योंकि किसी को भी ये भैंस टक्कर मार सकती थी। लेकिन लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राठी का नाम पहली बार भैंस के ऊपर चढ़ा है। और जैसे राठी साहब को कैमरे पे आने का शौक है, वैसे ही भैंस को भी लगता है कैमरे पे आने का ज्यादा शौक है, इसीलिए भैंस जो है लगातार लोगों को टक्कर पे टक्कर मारती जा रही है। जब भी भैंस को लगता है कि उसकी कवरेज कम हो रही है, वैसे ही भैंस जो है लोगों को टक्कर मारती है। और ये देखिए दो, और देखिए कई बार जो है सिर्फ कई बार जो है आपसी मतभेद भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है आपसी बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो है दो पत्रकार भी आपस में जो है भिड़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भैंस टक्कर मार रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी अफरा तफरी मची और लोग जो है इधर उधर बीच के अंदर आ गए, जिसकी वजह से जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो मनोज राठी कर रहे थे। और ये सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर की, जहाँ पर भैंस जो है अब थम चुकी है और किसी को भी टक्कर नहीं मार रही है, क्योंकि भैंस का काम था मिनी सेक्रेटेरिएट तक पहुँचना। अपने हरियाणा में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मैं अपनी भैंस और लाठी के साथ ही आया हूँ। यह लाठी सरकार के पास है, सरकार की भैंस, सरकार की लाठी। आज मैं सरकार की आंख खोलने के लिए अपनी भैंस के साथ आया हूँ। सरकार ने अंदर बिना वैक्सीन बिना मास्क की एंट्री बंद कर दी है, इसलिए मेरी भैंस ने मुझे कहा कि मैं चलूंगी और मैं ही डीसी मैडम को ज्ञापन दूंगी। आज सोमवार का दिन है और एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि मनोज राठी जो है अपनी भैंस के साथ अंदर होने दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैंस ने जो है यहाँ पर पहुंच करके एक दूसरे को टक्कर मारने शुरू कर दी, जिसके बाद भैंस को जो है अभी साइड के अंदर बांधा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है भीड़ बेहद ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, जो साफ तौर के ऊपर कोविड प्रोटोकॉल जो लगातार सरकार प्रचार कर रही है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भीड़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के लघु सचिवालय के सामने की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भैंस को अभी साइड के अंदर बांध दिया गया है और जो है लोग बेहद ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा मनोज राठी ने किया है, क्या इससे मनोज राठी को फायदा होगा या फिर जो उनको फ्री की कैंपेनिंग मिल रही है इलेक्शन से 2-3 साल पहले, वो इसीलिए ये सारे हाई वोल्टेज ड्रामे कर रहे हैं, या फिर मनोज राठी को सच में दिक्कत है कि मास्क नहीं लगाना है, वैक्सीन नहीं लगानी है सरकार ने, जो भी बिना वैक्सीन लगाए हुए सरकारी दफ्तरों के अंदर एंट्री बंद कर दी है, मनोज राठी उसके अधिकार के अंदर नहीं है, बिल्कुल उसके खिलाफ के अंदर है, जिसकी वजह से मनोज राठी ने आज ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। खैर, कुछ समय के बाद दोबारा
जुड़ेंगे। अब देखते हैं कि उपायुक्त क्या इस अनोखी भैंस को देखने के लिए अपने कार्यालय से बाहर आती है या फिर अपना एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजती है। तब तक जुड़े रहिए सिटी विंग न्यूज के ऊपर, आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।